पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर चुंगी और ज्ञानसू के बीच में बनी ओपन टनल के ऊपर भूस्खलन जोन सक्रिय हो गया है। इससे सड़क सुरक्षा गैलरी की छत और दीवारों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। वहीं इसके ऊपर बनसुंगा से ज्ञानसू के लिए आने वाली सिंचाई नहर सहित ज्ञानसू सॉल्ट मोटरमार्ग और कुछ भवनों पर भी खतरा बना हुआ है। भूस्खलन करीब 30 से 40 मीटर हिस्से में फैल गया है। भूस्खलन के कारण पूरा मलबा और बोल्डर ओपन टनल की छत और दीवार के पीछे गिर रहे हैं, जो कि भविष्य में टनल के अस्तित्व के साथ ही हाईवे के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर ओपन टनल 28 करोड़ की लागत से बनी थी, जिस पे अब खतरा मंडराने लगा है। उसकी वजह है कि जब बारिश हुई तो उसके बाद भूस्खलन जोन फिर से एक बार सक्रिय हुआ है। आप देख सकते हो ऊपर से पूरा तरह से मलवा टूट रहा है और सीधे हिट कर रहा है जो ओपन टनल है, और पेड़ बड़े बड़े पेड़ भी टूट के इसमें आए हैं। तो कह सकते हैं कि 28 करोड़ से जिस तरह से टनल बनाई गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट टनल है ये और लाइफ लाइन है उत्तरकाशी की, और इस पर पूरी तरह से खतरा मंडरा हुआ है। 28 करोड़ की लागत से पहले इस पहाड़ी का जो कार्य था वो कराया गया था, तो जो सफल नहीं हो पाया। अब स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि ऊपर बस्ती भी है और बगीचा भी है, अगर इसी तरह से बारिश होती है तो कुछ भवन भी नीचे आ सकती है, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा जो टनल है, जो गंगोत्री हाईवे पे बड़ी टनल कही जाती है, 28 करोड़ की लागत से उसको बनाया गया था, उस पर भी लगातार खतरा मंडरा है। और जो स्थानीय लोग हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि लगभग 56 करोड़ की लागत से काम हुए और अभी भी जो भूस्खलन जोन है रुका नहीं है, जिससे स्थानीय लोग जल्द मांग कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जाए। साथ में जो ऊपर से जो भवन है जो इस मलबे में भूस्खलन में आ सकते हैं, साथ इसके अलावा जो टनल है यहाँ पे ओपन टनल, उसको बचाया जा सके। बलबीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। बढ़ते हैं आगे, चमोली की खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग और गोचर के बीच में चटवाली पीपल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चटवा पीपल की इन तस्वीरों में आप देखेंगे लैंडस्लाइड होता हुआ। यहाँ पर बार बार पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही को दिक्कत हो रही है। हाईवे को तो अब खोल दिया गया है, लेकिन मार्ग पर इन दिनों सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और नीचे से वाहन गुजर रहे हैं, जो खतरनाक है। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक पुलिस को मौके पर रवाना किया गया है। पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफलाइन ऑल वेदर रोड 3 दिनों से बंद है। आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि बॉर्डर की इस अहम रोड पर चैतुलकोट के पास में एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद रोड पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। 2 जिलों को जोड़ने वाली ये रोड 3 दिन से बंद है, जिसकी वजह से हजारों यात्री जगह जगह पर फंसे हैं। बॉर्डर के हाईवे को खोलने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इस हाईवे पर दर्जनों जगह ऐसी हैं जहां लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी अचानक से दरक कर नीचे आ गई है। और ये बढ़ते हैं आगे रामनगर से खबर, जहां पर चुकम गांव में बारिश से नुकसान हुआ है। तेज बारिश की वजह से 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही करीब 15 बीघा जमीन भी कोसी नदी के तेज बहाव में बह गई है। प्रशासन की टीम ने गांव में ही इस नुकसान का जो जायजा लिया है, वहां देख सकते हैं आप किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चुकम गांव कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है और गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को कोसी नदी पार करनी होती है। ऐसे में नदी के उफान पर आने से लोग जान जोखिम में डालकर गांव तक पहुंचते हैं। उधर पहाड़ों में तेज बारिश के बाद रामनगर में कोसी नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव से गर्जिया मंदिर की
सीढ़ी को नुकसान पहुंचा है। मंदिर की सीढ़ियां कोसी में बह गई हैं, जिसके बाद मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद करना पड़ा। प्रशासन का यहां पर कहना है कि पानी कम होने पर मंदिर की सीढ़ियों को ठीक किया जाएगा, इसके बाद मंदिर को भक्तों के लिए खोला जाएगा, लेकिन तब तक मंदिर बंद रहेगा। आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही जानकारी भी दे रहे हैं कि गर्जिया मंदिर में लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। चमोली में बारिश की वजह से मलारी हाईवे पर सलधार के पास में सड़क काफी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसकी वजह से ऊपर बसे हुए गांवों को खतरा पैदा हो गया है। गांव के नीचे हो रहे भूस्खलन की वजह से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क बार बार बंद होने से घाटी में जाने वाले लोग भी परेशान हैं। उधर उत्तरकाशी में बंद यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। राडी टॉप के पास में बड़े बड़े बोल्डर आने से सड़क बंद हुई थी, जिसकी वजह से कई यात्रियां फंस गए थे। वहीं हाईवे खुलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन पहाड़ी से भूस्खलन होने का खतरा अब भी बना है, क्योंकि जरा सी बारिश के बाद पहाड़ी दरक जाती है, मलबा और पत्थर सड़क पर आ जाते हैं। पहाड़ों में तीन दिन तक जमकर बारिश हुई, इसके बाद मौसम सुहाना हो गया। हेमकुंड साहिब की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां बारिश के बाद सामने आई हैं ये तस्वीरें। यहां आप देखेंगे चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर और जमीन पर सुंदर तस्वीर। हालांकि देखिए हेमकुंड साहिब में बर्फबारी अभी नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऋषिकेश से बड़ी संख्या में जो जानकारी मिली है वो आप ये ले लीजिए कि सुबह कुनाऊ गांव के पास में गंगा नदी में दो लड़के गंगा नदी में बह गए हैं। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम का सर्च अभियान चल रहा है, शव को बरामद कर लिया गया है, एक लड़के की तलाश की जा रही है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर हरिपुर कला स्थित श्री व्यास आश्रम में संस्कृत भारती के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी में वो शामिल हुए हैं। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए दो दिवसीय गोष्ठी का ये आयोजन, जहाँ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। आशीषो मे नासो मे नास्य आशीषो मे ना सो मे ना समया समया कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृत भारतीया अखिल भारतीय उत्तराखंडे वे भूमि सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी गोष्ठी के शुभारंभ सत्र पर मंच पर आसीन अभी जिनका हम सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और ओजस्वी उद्बोधन सुना, पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृत भारती प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, अध्यक्ष श्री काशीमठ संस्थान न्यास वाराणसी श्री के निवास श्रीनिवास प्रभु जी, और जिन्होंने संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने के लिए
लगातार जो एक तपस्वी की तरह पिछले अनेक वर्षों से, दो दशक से भी ज्यादा समय से अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती के नाते पूरे देश का प्रवास कर रहे हैं, जगह जगह संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, जन जन की भाषा संस्कृत बने, उसके लिए जिनका प्रयास हम सब लोगों ने अभी सुना जब वो बोल रहे थे, आदरणीय श्री दिनेश कामत जी संस्कृत भारती की, उत्तरांचल की अध्यक्ष श्रीमती जानकी त्रिपाठी की, सत्यनारायण भट्ट जी, दीपक कुमार जी और हमारे सभी आए हुए सभी विद्वानगण, मुझे बताया गया कि पूरे देश भर के अनेक अनेक विद्वान, अनेक अनेक विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, अनेक प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर इस बहुत ही पूज्य कार्यक्रम में यहाँ आप सब सम्मिलित हुए हैं और श्रीमद सुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी की जन्म शताब्दी समारोह भी यहाँ पर हो रहा है। आप सबका मैं अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बेहतर होता कि अभी जैसा आदरणीय कामत जी ने कहा कि संस्कृत में संवाद करना है, आगे मैं भी प्रयास करूँगा कि लेकिन मैं स्वयं को संस्कृत में संवाद कर पाने में असमर्थ पाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में ही आप सबके बीच अपने विचार रखना चाहूँगा। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं, आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा। वैसे उद्घोषक महोदय ने पहले भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देवबाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। दूसरी राजभाषा है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं, मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा कि इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटा ली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में
उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत परमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की। तो कार्यक्रम से मुख्यमंत्री धामी को आप लाइव सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं, राजधानी देहरादून की बेशकीमती गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों को भूमाफिया खुर्दबुर्द करने में जुटे हुए हैं, जिस पर अब कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। अधिकारियों और नेताओं के साथ भूमाफियाओं ने हजारों एकड़ जमीन को बेच डाला, लेकिन जांच कर रही SIT मुकदमे दर्ज करने लगी है। देहरादून में करीब 1200 एकड़ जमीन गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी के नाम आज भी सरकारी कागजों में दर्ज है। साल 1987 में बनी चिटफंड फाइनेंस कंपनी गोल्डन फॉरेस्ट ने देश के कई राज्यों में करीब 8000 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें अकेले देहरादून में ही कंपनी ने 1200 एकड़ जमीन खरीदी। लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी लॉस में गई और गड़बड़ी के आरोप में कंपनी के कई अधिकारी जेल में। जिसके बाद इन जमीनों पर भूमाफियाओं की नजर पड़ी। देहरादून में गोल्डन फॉरेस्ट की जो जमीन कर्नल बलवीर सिंह के नाम थी, उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीनें बेच दी गई। तो मैं समझता हूँ कि जितनी अभी ये जो गोल्डन फॉरेस्ट का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इनकी जमीनों का, लेकिन इस पे समाचार पत्रों में आए दिन कहीं ना कहीं घपले उजागर होते ही रहते हैं कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन उन्होंने बेच दी, जबकि जिला प्रशासन ने भी गोल्डन फॉरेस्ट के कुछ नंबर हैं उनको बेचने पर रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करके गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनें बेच रहे। बेसिकली ये माफियाओं के लिए एक बढ़िया अवसर मिल गया है गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों को बेचने। गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देहरादून में फर्जी तरीके से बेची गई गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों की शिकायत की जांच के बाद SIT ने अलग अलग थानों में 5 मुकदमे दर्ज कराए, जिन पर अब DM एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। देखिए अभी तो एग्जामिनेशन स्टेज पे है, जब भी इसमें कोई कंक्रीट रिकमेंडेशंस सामने आएंगी तो देन वी विल शेयर। राजधानी में जमीनों के फर्जी रजिस्ट्री का मामला अभी थमा भी नहीं था कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अगर जांच सही साबित हुई तो कई व्हाइट कॉलर भी सलाखों के पीछे होंगे। News 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। लगातार बारिश के बाद रविवार को धूप खिलने पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से प्राइवेट ऑपरेटर के MI-17 हेलीकॉप्टर ने कुल 20 यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए उड़ान भरी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। MI-17 एक बड़ा हेलीकॉप्टर है जो एक बार में 20 श्रद्धालुओं को बद्री केदार लेकर जा सकता है। वहीं दूसरी उड़ान में श्रद्धालुओं को धामों में रात्रि विश्राम की सुविधा दी जाएगी। देखिए मौसम साफ हुआ है और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम साफ होने के चलते ही जो हेली सेवा शुरू की गई है, इसका ये फायदा उठाते हुए ये वो लोग हैं जो इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से भेजे गए हैं श्रद्धालु। ये बड़ा चॉपर है जिसके अंदर एक बारी में 20 लोग उड़ान भर सकते हैं। पायलट को पायलट के अलावा कुल मिला के 20 और यहाँ पर जो लोग हैं इस उड़ान के माध्यम से श्रद्धालु जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से आगे पहुंचे हैं, जहां ये हेलीकॉप्टर खिली धूप में कुल 20 यात्रियों को लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए उड़ान भर चुका है। बढ़ते आगे चारधाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जहां खराब मौसम के बाद भी रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं। चारों धामों में अभी तक 34 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 11,23,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे।
मानंदा की आज विदाई है। पहाड़ की कुलदेवी को विदा करने के लिए नैनीताल में भव्य तैयारी है। ठीक 12 बजे देवी भोग के बाद मां नंदा सुनंदा को विदा कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि नैनीताल में देश भर के पर्यटक मां नंदा की कैलाश विदाई में शामिल होंगे। आज सुबह से ही भक्त मां नंदा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता देते हैं कि मां नंदा की पहाड़ में कुल देवी के साथ यहाँ की बेटी और बहू इन्हें माना जाता है। नैनीताल में 8 सितंबर से नंदा महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। आज माँ की कैलाश विदाई के साथ महोत्सव का समापन हुआ। विदा का दस्तूर है, वो तो एक दस्तूर है हमारा। माँ तो हमारी साथ है, बस मैं तो यही मानती हूँ, हमारी साथ है माँ। माँ को भोग लगाया जाएगा और हमने सभी यहाँ पर तैयारियाँ पूर्ण कर ली हैं और जितने भी यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज पर्यटक भी यहाँ पर बहुत है और ये मेला बहुत ही भव्य होने वाला है। आप सभी देख रहे हैं, कल भी यहाँ पर बहुत भीड़ थी। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी हरिद्वार के दौरे पर है। हेमा मालिनी ने एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान हेमा मालिनी ने गंगा अवतरण की मंच से प्रस्तुति भी दी है। महामंडलेश्वर संतोषी माता के संन्यास दीक्षा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हेमा मालिनी ने गंगा अवतरण को मंच से शानदार तरीके से पेश किया। पिनार कलियर में चल रहे 756वें सालाना उर्स में आज बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग पहुंचे हैं। देखिए, मेले में जायरीनों की भीड़ उमड़ी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 81 पाकिस्तानी जायरीनों का जो ये जत्था है लाहौर एक्सप्रेस से रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में जायरीनों को रोडवेज की बसों में बिठाकर पिनार कलियर ले जाया जाएगा। यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। जिस गेस्ट हाउस में पाकिस्तानी जायरीन ठहरेंगे उस पर खुफिया विभाग की कड़ी निगरानी होगी। 19 सितंबर तक उर्स मेला चलेगा।